13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि तुम सही सलामत हो मेरे भाई। अगर ये गिट नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं बचता भाई, सब जानता हूँ मैं। मैं हमेशा आपकी रहूंगी तू तक, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, 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 नहीं। हमला हो गया है, फैल जाओ चारों तरफ। अब से हमारी तकदीर एक है। फौरन कबीले ले जाना होगा। घोड़े लेकर आओ इधर। भाई आपको कुछ नहीं होगा। अर्तुरुल सरदार हक पे थे, ये सब तुम्हारा खेल था। तुम शायद जानते नहीं कि इस सरजमीन पे ताकत और इज्जत सिर्फ मेरी है, या शायद भूल गए। अब तुम्हें मेरी नाफरमानी की सजा भुगतना ही होगी। लानत हो तुम पे कुपैक, लानत हो तुम पे। जरा यहां लाओ इसे, करीब लाओ। अमीर हजरत अर्तुरुल शहजादे को लेकर फरार हो गया। आला आला, अर्तुरुल अब जंगजू नहीं रहा बल्कि बागी हो गया। आज से हम उसे बागी ही कहेंगे। बहरहाल तुम फौरन काई कबीले रवाना हो जाओ और सिपाहियों को भी साथ ले जाओ। अर्तुरुल चाहिए मुझे, अगर वो हवाले ना करें तो पूरे कबीले को आग लगा देना। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत।
ठीक तो हो ये कहते। आ जाओ शाबाश। ठीक हो तुम? ठीक हूं अर्तुरुल भाई, परेशान ना हो आप। बहुत शुक्र है। नौयान की औरत के दिए हुए इस लिबास से तंग आ गया हूं मैं। किस औरत की बात कर रहे हो ये गिद्ध? उसका नाम गोंजा गुल है। बिल्कुल नागिन की तरह आंखें हैं उसकी। क्या आप जानते हैं उसे भाई? वो कबीले में भी फितनों का बायस बनी थी। तुर्गुत, बता नहीं पाया आपको, वो अब नौयान की खातून बन चुकी है। लेकिन भाई वो औरत नौयान से मिली कैसे? कुपैक के जरिए। उन दोनों को मिलाने वाला उसके सिवा कोई नहीं हो सकता। वैसे भी वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक कहा ना भाई, दोनों के पास ही शैतान का दिमाग है। उन दोनों का जिक्र करना क्या भी जरूरी है बंसी? तुम ठीक कहते हो भाई, मैं माफी चाहता हूं। बुआज को गद्दारी पर उकसाने वाली भी यही औरत मालूम होती है भाई। दुरुस्त कहा तुमने तुर्कुत। भाई अब आप ही इस शहर में खैर तलाश कीजिए। उस शैतान और उसके चेलों के ठिकाने से ही हमें कोई रास्ता मिलेगा बंसी। अब हम उनके ठिकाने पर कड़ी नजर रखेंगे। कबीले वापस जाने की जरूरत नहीं, कुपैक और उसके सिपाही हमारी तलाश में होंगे। ये मेरा कसूर है, मेरी वजह से आप सब लोग मुश्किलात का शिकार हो गए। अमीर सादेदीन आपको गद्दार करार देकर आपके पीछे आएगा, सब मेरी वजह से हुआ है। अपने नाम की तरह तुम बहादुर हो, तुमने साबित किया है ये किद। रियासत और हक का साथ दिया है तुमने। इन हालात के जिम्मेदार तुम नहीं हो, परेशान मत हो तुम। मैं जिंदा रहने का मुस्तहिक नहीं हूं अर्तुरुल भाई। मेरी बेकार जिंदगी का हर एक लम्हा और हर एक सांस मेरे प्यारों के लिए बवाल बना हुआ है। अब बहुत हो चुका अर्तुरुल भाई, मैं भाग भाग के थक चुका हूं। जवानों हुक्म कीजिए भाई, गेकली के गार जा रहे हैं हम, चलो। या अल्लाह। आराम से आराम से। हम तमाम लोग एक तवील अरसे से मुश्किलात का शिकार हैं। ना ही हमने गर्म सूरज देखा, ना ही बारिश जो कि फसलों के लिए रहमत है, बल्कि हम हमेशा अपने मुस्तकबिल में आने वाली तबाही से हर दम खौफ में रहते हैं। यह अल्लाह की तरफ से आजमाइश है हमारे लिए। हमें मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होना पड़ेगा, सब्र करना होगा, एक साथ लड़ना होगा, गोगचे बेटी के लिए, शहजादा येगिद के लिए और हम सब के लिए। यही वाहिद रास्ता है मेरे बच्चों। मुझे नहीं पता कि ये मसाइब कब खत्म होंगे, लेकिन इतना जानता हूं कि ये शुरू कैसे हुए थे। जब मेरे मरहूम बाबा और मैंने अर्तुरुल की बात का भरोसा करके कबीले के साथ यहां आने का फैसला किया और सुल्तान के लिए लड़ना शुरू किया था, उस वक्त हम यहां आने के बजाय हलब में ही रुकते तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती आज। लेकिन अब हम एक ना खत्म होने वाली
आजमाइश और बेचैनी का शिकार हैं। मंगोलों से दूर रहकर एक पुरसुकून जिंदगी हमारे लिए सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गई है, और सबसे बढ़कर मेरी इस बीमारी के तवील दौर ने मुझे सिखाया है कि इंतजार करना कितना मुश्किल और तकलीफ देह होता है, वो भी उस वक्त जब मेरे दोनों भाई जंग पर हैं और मैं यहां। ये रब की तरफ से आजमाइश है गुंदोगदू। बेशक ये एक ऐसी आजमाइश है बेटा, जिसमें परेशानी के बावजूद भी शुक्र अदा करना है उस सरजमीन के लिए जहां हमें गर्मी में अमन सुकून हासिल हुआ और जाड़े में सर छुपाने के लिए जगह। हर फर्द जो उसकी आजमाइश से नेक नियति से गुजरेगा, परवरदिगार अपने उस प्यारे बंदे पर रहमत और करम के बादल बरसाएगा। मैंने अपने मुश्किल तरीन वक्त में अर्तुरुल साहब से सीखा है कि बगैर डरे हमें मुश्किलात का सामना करना चाहिए, चाहे कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो सामने, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। मुश्किलात कभी नहीं हरा सकती हमें, और ना ही कोई खौफ हरा सकता है। कल मेरा भाई और आज कोक जी, क्या मालूम कल मैं और मेरी औलाद हमें हराने के लिए हम में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे दुश्मन, लेकिन हमें हमारे जवानों के साथ खड़े रहना है और उनकी कुव्वत बनना है। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और हमें सब्र की ताकत अता फरमाए। मुझे इजाजत दीजिए वालिदा। बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा। कोई भी मुश्किल हमारे औताक हमारे कबीले को तबाह नहीं कर सकती बेटा, जब तक हम उसे खुद तबाह ना कर दें। अगर हमने शिकस्त तस्लीम कर ली तो सुलेमान शाह का औताक तबाह हो जाएगा। सुलेमान शाह हमारे दिलों में मौजूद है, और जब तक वो दिल में है कोई गम नहीं। हमारे दस्तरखान पर रखी नेमतों और रब की रहमतों का शुक्र अदा करें हम। शुक्रगुजारी उसे बहुत पसंद है मेरे बच्चों। शुरू करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करो बेटी। गोंजा गुल है वहां और वो मर चुकी है। ये क्या कह रहे हैं भाई, वो बदजात औरत वहां पर क्या कर रही थी? बजाहिर तो वो नौयान के साथ मिलकर किसी साजिश का हिस्सा थी। मेरी बात गौर से सुनो, तुम दोनों यहीं रुको और नौयान का इंतजार करो। अगर मैं शाम तक वापस ना आऊं तो कबीले लौट जाना, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे।
सादत इनवा, खुद को बहुत होशियार समझते हो। शोला जवान को मेरा शिकार और मुझे सुंगर तकिन का शिकार बनाना चाहते थे। तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। कोई खबर नहीं आई अभी तक। सोच सोच के मेरा दिल बैठा जा रहा है कि वो मलून न जाने मेरी बेबस बहन के साथ क्या सुलूक कर रहा होगा। सलजान, परेशान ना हो तुम। जैसे मैं तुम्हें उस मलून नौयान से बचा कर लाया था, तू तकिन भी गुगजे को बाहिफाजत ले आएगा इंशाल्लाह। अमीर सादतीन का सिपा सलार आया है हिमाखाना, वो आपसे मिलना चाहता है। भेजो उसे अंदर, देखते हैं उस बदबख्त ने क्या पैगाम भेजा है। अर्तुरुल चाहिए हमें, वो कहाँ है? अर्तुरुल से आखिर क्या चाहते हैं आप? अमीर सादतीन को अब उससे क्या चाहिए? अमीर हजरत ने अर्तुरुल को बागी करार देकर मौत की सजा सुनाई है। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? तुम्हारी इतनी हिम्मत के अर्तुरुल को गिरफ्तार करने आ गए? कसूर क्या है उनका? हलीमा सुल्तान, उसे बता दो जाकर कि उसे अपने बेटे का एक बाल भी नहीं दूंगी मैं। कबीले में उसकी जान लेना तो दूर की बात है। पहले हमें यह बताओ कमांडर, अमीर सादतीन आखिर मेरे भाई से चाहते क्या हैं? तुर्क सरदारान की कयामगाह पर हमला किया था हमने, अमीर सादतीन भी हमारे साथ थे। अर्तुरुल सरदार ने बागी सरदारान के साथ मिलकर हमारे खिलाफ जंग की और जिस शहजादे के लिए सुल्तान मोजम ने सजाए मौत का हुक्म दिया है उसे लेकर फरार हो गए। अमीर हजरत का हुक्म है कि उन दोनों को देखते ही खत्म कर दिया जाए। हमें आपके ओताक की तलाशी लेनी है। मजाहिमत की सूरत में आपके साथ भी वही सुलूक किया जाएगा। अर्तुरुल साहब को धमकी देना काफी नहीं था जो अब तुम हम सबको धमकाने लगे? हलीमा सुल्तान, तुम अंदर जाओ बेटी। मेरा बेटा यहाँ नहीं है, फिर भी आप चाहें तो तलाशी ले सकते हैं। हम रियासत के एहतराम में खामोश रहेंगे, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होगा। वक्त आने पर हम भी अपनी बात जरूर करेंगे। तुम दोनों उधर की तलाशी लो। पहले इजाजत लो। कमांडर, तलवार वापस नयाम में रखो। सलजान जाने दो इसे, तुम जा सकते हो। तो बताओ, हो गई तसल्ली? मेरा भाई यहां मौजूद नहीं है। मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। अगर फर्ज पूरा कर लिया है तो दफा हो जाओ यहां से। अच्छी तरह तसल्ली हो गई आपको? कबीले की तलाशी लेनी है, अपने सिपाहियों से कहें मुदाखलत ना करें। शुक्र हलीमा, वो लोग बच गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह कोकचे की तरफ से भी मुस्बत खबर आएगी इंशाल्लाह। अब्दुल रहमान। जी हमा खानम। सिपाहियों को खबर कर दो, अर्तुरुल की गैर मौजूदगी का जब तक इन्हें यकीन नहीं हो जाता कोई भी इन्हें तलाशी लेने से नहीं रोकेगा। जैसा आपका हुक्म।
और संगोर इस आदमी को बेकसूर समझ रहा है। बदबخت कुपैक। अर्तुरुल भाई सही कह रहे थे वालिदा, उसने धोखा देने के लिए हमारा इस्तेमाल किया। अमीर सादुद्दीन, वक्त आ गया है कि अब उससे सामने बैठकर बात की जाए। गुंदोगदू, तैयार हो जाओ बेटा। अमीर सादुद्दीन के पास जाकर मालूम करते हैं सही सूरत हाल क्या है। वालिदा, अमीर सादुद्दीन के पास हम अर्तुरुल के लिए जरूर जाएंगे, लेकिन आप अपने जज्बात काबू में रखिएगा। गुंदोगदू, अगर मेरे साथ तुम नहीं जाना चाहते तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी। सुल्तान अलाउद्दीन के लिए जब हमारे बच्चे शहीद हो सकते हैं तो हमें भी अपनी बात कहने का पूरा हक है। वो उसकी जान लेना चाहते हैं और हम चुप रहे। बेशक वालिदा, बेशक, लेकिन मैं आपसे माकूल अंदाज में उसे बात समझाने की दरख्वास्त कर रहा हूँ। इल्तिजा है आपसे। क्या खबर है तुम्हारे पास? पुआत सिपाही, नोयान ने तुतकिन और उसकी बीवी को मार डाला है। आह नोयान, इंशाल्लाह सुंगुर तकिन सरदार जल्द उसको अंजाम तक पहुंचा देंगे। लेकिन गोंजा गुल खातून, उसको क्या हुआ? गोकचे खातून ने फरार होने की कोशिश में उसे मार दिया। सब्र से काम लो बेटा, दर्द हमेशा आरजी होता है। इंसान को दर्द ना हो तो राहत का एहसास कैसे होगा? अगर दर्द का सिला मालूम हो जाए तो राहत की तमन्ना ही ना रहे। अगर ये दर्द नेमत ना होता तो अल्लाह अपनी महबूब हस्तियों और अपने पैगंबरों को इन आजमाइशों से न गुजारता। या अल्लाह, तू ही सबसे अजीम है। तीर ने अंदर जख्म किया है लेकिन ज्यादा गहरा नहीं है। आग भड़काओ बेटा। जी हजरत। अल्लाह के बाबरकत नाम अल शाफी की मुबारक निस्बत से ये खंजर इस बच्चे के लिए बाई से शिफा बने। इसे दांतों के दरमियान दबा लो बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेकली, हुक्म कीजिए भाई। फौरन कबीले जाना है तुम्हें। तुर्गुत और यगित बिल्कुल खैरियत से हैं। जाकर ये खुशखबरी आर्तुक भाई तक पहुंचानी है तुम्हें। वो वालिदा और हलीमा सुल्तान को बता देंगे। जैसा आपका हुक्म भाई। मैं खुद को कब से धोखा दे रहा था। मैं समझ रहा था वो मुझे भूल गए हैं। मैं काय कबीले में सुकून से रहूंगा, बड़ा होकर जंगजू बनूंगा, फिर शहादत का रुतबा हासिल करूंगा मैं। लेकिन वो मेरी गलत फहमी थी, मेरे नसीब में कुछ और लिखा है। मैं मजीद यहां नहीं रह सकता अर्तुरुल भाई। Thank you.
इब्राहिम को आग से बचाने वाले रब इस नौजवान को शिफा अता कर अल शाफी इस्म की बरकत से। बिस्मिल्लाह हू अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कबीले में हर कोई मेरी हकीकत से वाकिफ हो चुका है। फिक्र मत करो तुम पुआज, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कोनिया जाना है तुम्हें मेरे साथ, उस वक्त तक तुम मेरे साथ यहां रहोगे। जान भी कुर्बान है मेरी आपके लिए। अमीर हजरत सुंगुर तकिन सरदार आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। भेज दो उन्हें। बुआज तुम वहां छुप जाओ उस दीवार के पीछे और वहीं रहना। देखते हैं ये मेरे लिए क्या खबर लाया है। ये मनहूस काई वाले, इनके मर्द एक मुसीबत हैं और औरतें दूसरी मुसीबत। खुश आमदीद सुंगुर तकिन सरदार, आइए। यकीनन तुम उस कातिल को अंजाम तक पहुंचाने की खुशखबरी लेकर आए होगे मेरे पास। काश के मैं ये कह सकता अमीर सादतीन। इसका मतलब है वो तुम्हारे हाथों से बच निकला। आपकी बताई हुई जगह पर मुंतजर थे लेकिन वो नहीं आया। नहीं आया वहां? जी बिल्कुल, लेकिन उसके साथ जो औरत थी उसका पता चल चुका है मुझे। कौन थी? गुंजा गुल नाम है उस औरत का। कबूल करना पड़ेगा आपको कि मेरे भाई अर्तुरुल से गुमश्तकिन के बारे में कोई गलती नहीं हुई। जाहिर है कि अपने बाप और फुप्पी की मौत का इंतकाम लेने के लिए गुंजा गुल नोयान के साथ जाकर मिल गई। तुम्हारे भाई अर्तुरुल ने कानून अपने हाथ में लेकर हर वो शय मिटा डाली जो मैं बतौर सबूत इस्तेमाल कर सकता था। अब कोई सबूत नहीं। क्या गुमश्तकिन के बारे में मेरे कहे गए अल्फाज काबिल एतबार नहीं है? बिल्कुल हैं। लेकिन एक और हकीकत भी है जिसका ऐनी शाहिद हूं मैं। तुम्हारे भाई अर्तुरुल ने खुद को बहुत ढिठाई से तलवार अदल की धार के नीचे रख दिया है। जो कहना चाहते हैं साफ कहिए। हमने तुर्क बागियों पे हमला किया था, शहजादा यगित भी वहां मौजूद था। तुम्हें पता है किस घमंडी सरदार ने उन बागी सरदारान का साथ दिया और शहजादा यगित को लेकर फरार हो गया? सही समझे, तुम्हारे भाई अर्तुरुल का कारनामा है ये। मैं बजाते खुद इसका गवाह हूं।
तुर्क सरदारों पे हमला करने वाले शख्स तुम ही थे, बताओ मुझे। मैं था। और अर्तुरुल, उसका क्या हुआ? शहजादे को लेकर फरार हो गया। ओ सादतिन, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। जाने दो मुझे, मैं जख्मी हूँ, मुझे जाने दो। अफसोस के मेरे सारे सबूत उसने तबाह कर दिए, कुछ नहीं बचा मेरे पास। ये नामुमकिन है, मेरा भाई कभी रियासत के खिलाफ नहीं जा सकता। हर वक्त अर्तुरुल का दिफा करना छोड़ दे सुंगुर तक इन सरदार। सुल्तान की दी गई जिम्मेदारी अगर आप पूरी नहीं कर सकते तो दस्तबरदार हो जाएं, ताकि शहजादा यकीत को मैं खुद सजा दूं। मुझे खदशा है कि सुल्तान अलाउद्दीन अगर यहां पहुंच गए तो उनके एताब से बच नहीं पाएगा हम में से कोई भी। जो कोई भी मुर्तकिब होगा गद्दारी का, उसे सजा मिलकर ही रहेगी, समझे? अपने फर्ज को पूरा करने से मैं कभी पीछे नहीं हट सकता अमीर सादतीन। शहजादा यगित को सुल्तान के हुक्म के मुताबिक सजा दी जाएगी, और इसमें मेरी कोई दूसरी राय नहीं। अर्तुरुल को मैं खुद सुल्तान के रूबरू पेश करूंगा अमीर सादतीन। आप देख लेंगे कि वो बेगुनाह साबित होगा। सुल्तान के सामने? मेरे भाई को आप पर भरोसा नहीं, वो कभी आपके सामने पेश नहीं होगा, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन के इंसाफ पर उसे पूरा भरोसा है। लेकिन अगर वो राजी ना हुआ तो फिर जो सजा शहजादे के लिए मुकर्रर है वही सजा अर्तुरुल की होगी। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। मैं तुम पर उतना ही एतमाद करता हूं जितना सुल्तान के इंसाफ पर। अर्तुरुल को तुम सुल्तान के सामने पेश कर सकते हो, इसलिए कि मैं ये मामला अफहामो तफहीम से निपटाना चाहता हूं। अब तुम्हें सुल्तान के हुक्म को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुंचाना है। रियासत में फैलती हुई साजिश आग को बुझा दो, शहजादे को ढूंढकर खत्म कर दो। अर्तुक भाई, अर्तुरुल भाई ने पैगाम भेजा है आपके लिए। वालिदा, परेशान ना हो मेरी बेटी, कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जो उस बदबख्त से करना बहुत जरूरी है। आप कबीले से बाहर जा रही हैं जबकि नौयान बदले की आग में दंदनाता फिर रहा है, कैसे परेशान ना हो मैं? फिक्र ना करो तुम, अगर वो हमें मिल गया तो उसे भी सबक सिखा देंगे। हाय मैं खातून, हलीमा सुल्तान। कहिए अर्तुक साहब। अर्तुरुल भाई की जानिब से एक पैगाम आया है। शहजादा यगित और अर्तुरुल भाई खैरियत से हैं वो दोनों। वो अपने सिपाहियों के हमरा महफूज मकाम पर हैं। बहुत शुक्र है मेरे रब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। अमीर सादतीन से बात करने का वक्त आ गया है, अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची। आप भी वालिदा। सलजान, अर्तुरुल और यगित सही सलामत है। शुक्र है रब का हलीमा, शुक्र है। Thank you.
असल जान, मेरी बहन, इंशाल्लाह तू तकिन भाई भी गुगजी के साथ सही सलामत लौट आएंगे। इंशाल्लाह नीमा सुल्तान, इंशाल्लाह। अहमक हो तुम सुंगर तकिन, अहमक। तुम नहीं समझते कि कोपेक तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है अहमक इंसान। रास्ता दीजिए, हट जाइए, हट जाओ, रास्ता दो। हमें पहुंचने में देर हो गई। इस तकलीफ से मत गुजारना। Yeah.
मेरे कुकची, आंखें खोलो मेरी बहन। ये गुलाबी चेहरा इतना सफेद कैसे हो गया? तुम्हारी बाची आई कोकची, कोकची आंखें खोलो मेरी जान। तुम अपनी बाजी की बात क्यों नहीं सुन रही? आंखें खोलो मेरी जान। सलजान, तू तक इंसाफ उठे ना, उठे, अपनी बीवी को जगाए। वो आपकी बात नहीं टालेगी। कहिए ना उससे, अब तो उससे बहुत मोहब्बत करते ना। जगाए, जगाए उसे। मेरी जान रुक जाओ, रास्ता दे। देखो जिंदा है। आओ जवान, आओ, हाथ लगाओ। आराम से, संभल के जवान, संभल के। आराम से, खिलाइए मत, आराम से। कुछ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। एहतियात से लेके चलो, ओताक में ले जाइए, सांसें बाकी हैं अभी। हम इंतकाम लेंगे तुम्हारे कोकची बेटी, जिसने भी ये किया है उसे हिसाब देना होगा। वालिदा, वालिदा, हलीमा सुल्तान, सलजान का ख्याल रखो। वालिदा, सलजान, जान से मार डालूंगी अगर किसी ने मेरी बहन को अंतर सलजान। मेरी बहन सुल्तान, मेरी बहन सुल्तान, कहीं नहीं जा सकती अपनी बाजी को छोड़ के। मेरी बहन आंखें खोलो, देखो तुम्हारी बहन ही कुछ सोचा। अच्छा खुद को समझो, सोचो कुछ। अर्तुरुल, नोयान का सर कलम किए बगैर हरगिज हथियार नहीं डालेगा। अर्तुरुल अगर सुल्तान के हुजूर पेश हो गया तो तुम्हारी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। वो आज और तुम्हारे सिपाहियों का इंतजार करूंगा और फिर अर्तुरुल को खत्म करने के लिए निकलूंगा। अर्तुरुल किसी भी कीमत पर नोयान और सादेतिन को पेकोन के अंजाम तक पहुंचाए बगैर सुल्तान के आगे हथियार नहीं डालेंगे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, कितने बेचैन हो, औताक पे कब्जे के लिए सोच भी कैसे सकते हो तुम ऐसा।